You are watching NTTV, News Telangana Television. वो सिलसिले हम नुमाइंदगी कर रहे थे, इसके ऊपर एडवांस चेक तो पहले दे दिया गया था 25 लाख का, और 25 लाख का एडवांस चेक आज जारी किया है। इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं साथ ही साथ रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुतालबे पर इस RTA ऑफिस का नाम सालारे मिल्लत के नाम से रखा, जिसके लिए कैबिनेट में मंजूरी दी गई। तो मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे मिनिस्टर साहब का, कि पुराने शहर जो मुसलसल नज़रअंदाज होता रहा और एक RTA ऑफिस नहीं था पुराने शहर में, तो आज इस RTA ऑफिस के क़याम के ज़रिए कई लाइसेंस इशू हो रहे हैं, और दूसरे जो मसाइल थे यहाँ के ट्रांसपोर्ट के, वो भी हल हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये जो ट्रैक आ रहा है, मैं समझता हूँ कि पुराने शहर में ये वाहिद ट्रैक है जो बल्लागुड़ा में सालार-ए-मिल्लत RTA ऑफिस में होगा, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिधानी बस डिपो, एक मॉडर्न बस डिपो के तर्ज पर उसको बनाया गया है और काम तकमील हो रहा है। इसके लिए भी मैं हुकूमत का और मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुराने शहर तरक्की कर रहा है और तेज़ी के साथ तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले कल में हमें यकीन है कि हुकूमत के तआवुन के ज़रिए पुराने शहर और नए शहर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें दस्तियाब मुहैया रहेंगी जो नए शहर में। मैं फिर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर अपना कीमती वक्त निकाला और आकर यहाँ पे जो काम जो हो रहा है इसको देखा। थैंक यू वेरी मच।